हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो में हम टोटल 7 क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पेपर होगा स्टैटिकल मेथड, सेकंड होगा फार्म पावर एंड मशीनरी, थर्ड क्वेश्चन पेपर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप, फोर्थ क्वेश्चन पेपर एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, फिफ्थ एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स, सिक्स पेपर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पीशीज, एंड लास्ट वन 7th क्वेश्चन पेपर फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो इन 7 क्वेश्चन पेपर की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर। तो यह है पहला क्वेश्चन पेपर स्टैटिकल मेथड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है स्टेट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कंप्लीट एनालिसिस ऑफ वेरियंस ऑफ वन वे क्लासिफिकेशन। थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज कोरिलेशन, लिस्ट आउट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, डिस्कस द मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन बाय यूजिंग स्कैटर डायग्राम। फिफ्थ क्वेश्चन What is meant by measure of dispersion? Write formula with specification of term used for standard deviation of individual series and continuous frequency distribution. Sixth question. State 5 different steps followed in testing a hypothesis. Explain method of testing mean of single population. T-test for single sample. Seventh question. Write short notes any two. First, method of finding selecting best fit line. Second question. Two types of error in testing a hypothesis. Third, classification and its type. Eighth question. What is random experiment? Simple event, compound event, and mutually exclusive events. Ninth question. Give two definitions of statistics and list and explain limitation of statistics. Eighth question. Differentiate between correlation and regression. Write relationship between correlation coefficient and regression coefficient. Section B. 11th question. Complete the following sentence by choosing correct alternative. First question, the value of regression coefficient lies between. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 0 to +1. Second, the geometric mean of the series 10 1 2 0 7 is. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0, क्योंकि जब हम इस सीरीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। अगर इसकी जगह कोई और नंबर होता और हम उसका अंडर रूट निकालते तो हमें उसका सही उसको मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट निकालते तो हमका इसका आंसर मिल जाता। तो जब हम 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सीरीज में तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ मीडियन कैन बी डिटर्मिन बाय ओग्विव कर्व। तो इसका आंसर होगा मीडियन। फोर्थ क्वेश्चन अर्थ स्क्वेयर्स एंड क्यूरिटीज आर द टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ। तो इसका आंसर है सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमारा ये सेक्शन पूरा हो गया। तो हम करेंगे 12th क्वेश्चन आंसर इन वन सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय हिस्टोग्राम। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ट बाय स्टैटिस्टिक। थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। द फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर स्टैटिस्टिक का। तो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है फार्म पावर एंड मशीनरी। तो इसमें सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है डिफाइन फार्म mechanization, write its benefit and limitation. Second question, differentiate between two stroke and four stroke engine on any four points. Third question, explain the working of two stroke engine with neat diagram. तो आपने थर्ड क्वेश्चन में टू स्ट्रोक इंजन के बारे में बताना है और उसका स्केच भी बनाना है। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। क्लासीफाई द प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, राइट द फंक्शन एंड पर्पज ऑफ स्प्रेयर। तो आपको 6, 7, 8 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। हम सीधा बढ़ेंगे अपने 9th क्वेश्चन की ओर। डिफरेंशिएट डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल एफिशिएंसी, कंप्रेशन रेशियो एंड बॉडी वेट एंड कंप्रेशन प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। 10th क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंजन कूलिंग, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ इंजन कूलिंग। सेक्शन बी 11th क्वेश्चन डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। फर्स्ट वन स्ट्रोक, सेकेंड फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन, थर्ड टिल्ट एंगल एंड फोर्थ वर्टिकल क्लियरेंस। तो इसके बाद हम करेंगे सेक्शन 11th 12th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है अ
फ्लाई व्हील इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ क्रैंक शाफ्ट फॉर स्मूथिंग द अनइवन टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन। तो हमारे पास पहला पहले क्वेश्चन का आंसर होगा फ्लाई व्हील। तो हम पढ़ेंगे सेकंड की ओर। डैश प्रो इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्लोइंग लॉन्ग हिल लाइन्स वेयर इज नेसेसरी टू टर्न ऑल फोरो हिल ड्यू टू द स्लोप ऑफ लैंड। तो इसका आंसर हमारे पास है पावर इंडिजीनियस प्लो। तो सेकंड का आंसर होगा इंडिजीनियस प्लो। थर्ड का आंसर है पावर टिलर। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मुझे प्रॉपर नहीं पता, तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो हम बढ़ेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है पावर टिलर। तो पावर टिलर इज़ अ वर्किंग टाइप ट्रैक्टर। तो ये था हमारा फार्म पावर एंड मशीनरी का क्वेश्चन पेपर। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ लो लाइन ट्रेंस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट वेट नर्सरी प्रिपरेशन, सेकंड पॉइंट ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग, थर्ड पॉइंट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एंड फोर्थ पॉइंट हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। सेकंड क्वेश्चन डिस्क्राइब द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ खरीफ सोगम ग्रेन पर्पस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट सीड बेड, सेकंड सीड एंड सोइंग, थर्ड इंटरकल्चरिंग एंड फोर्थ हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। थर्ड क्वेश्चन डिस्क्राइब इन डिटेल द कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड नट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सीड एंड सोइंग, सेकंड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, थर्ड पॉइंट इंटरकल्टीवेशन एंड फोर्थ साइन ऑफ मैच्योरिटी इन एंड हार्वेस्टिंग। फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन इन डिटेल द कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ पिगन पिया ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सोइल एंड सीड बेड प्रिपरेशन, सेकंड सीड एंड सोइंग, थर्ड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट एंड फोर्थ हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। फिफ्थ क्वेश्चन प्रिपेयर द लीफलेट ऑन द कल्टीवेशन ऑफ फोडो मेजाई। सिक्स क्वेश्चन डिस्क्राइब द कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ इरीगेटेड हाइब्रिड कॉटन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सीड एंड सोइंग, सेकंड पॉइंट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, थर्ड पॉइंट वीड मैनेजमेंट एंड फोर्थ पॉइंट हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। सेवन्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन इन डिटेल द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सोइल एंड क्लाइमेट, सेकेंड पॉइंट सीड एंड सोइंग, थर्ड पॉइंट इम्प्रूव वेराइटीज एंड फोर्थ पॉइंट हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। एट्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन इन डिटेल द कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ ब्लैक ग्राम उड़द बीन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सोइल एंड क्लाइमेट, सेकेंड पॉइंट सीड एंड सोइंग, थर्ड पॉइंट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड द लास्ट पॉइंट हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। नाइन्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब सोइंग मेथड हार्वेस्टिंग एंड यील्ड ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स एनी टू। फर्स्ट क्रॉप कॉप या फॉर फोडर, सेकेंड क्रॉप हाइब्रिड नेपियर एंड थर्ड क्रॉप फोडर सोगम। टेंथ क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू। फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल सीड्स, सेकेंड सीड एंड सोइंग ऑफ सीसम, थर्ड पॉइंट रेटिंग ऑफ जूट। तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमें इन्हें मैच द कॉलम करना है, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको इनके सीधा आंसर बता देता हूँ। आपको फर्स्ट को करना है फोर्थ के साथ मैच, सेकंड को करना है थर्ड के साथ, थर्ड को करना है सेकंड के साथ और फोर्थ को करना है फर्स्ट के साथ। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, फोर्थ क्रम को करेंगे आप डिलीशियस बया फ्लोरस फोर्थ ऑप्शन के साथ, सेकंड को करेंगे थर्ड के साथ, थर्ड को करेंगे सेकंड के साथ और सेकंड को करेंगे फर्स्ट के साथ। तो आपका मैथ द कॉलम कम्प्लीट हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने ट्वेल्थ क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक। तो आपको फिल इन द ब्लैंक करने हैं इन पल्स क्रॉप विच बायो फर्टिलाइजर इज़ यूज फॉर एन फिक्सेशन। तो इसका आंसर होगा राइजोबियम। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हिच इज द बोटानिकल नेम ऑफ फिंगर माइलेट। तो फिंगर माइलेट का बोटानिकल नेम होता है एलियोसाइन कोरोसिना। तो मैं इसकी स्पेलिंग बताता हूँ आपको, ई एल ई यू एस आई एन ई एलियो की सी ओ आर ए सी ए एन ए। तो इसका आंसर है, तो द ओरिजिन ऑफ ग्राउंड नट इज़, तो इसका ओरिजिन है ग्राउंड नट का मेजो अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये इसका आंसर होगा द ओरिजिन ऑफ ग्राउंड नट इज़ मेजो अमेरिका साउथ अमेरिका। फोर्थ क्वेश्चन कोजो माइलेट एंड फिंगर माइलेट आर यूजफुल फॉर विच पेशेंट। तो इसका आंसर होगा हार्ट पेशेंट। तो कोडो माइलेट एंड फिंगर माइलेट आर यूजफुल फॉर हार्ट पेशेंट। दिल के मरीज होते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है एनवायरनमेंट स्टडी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंटल साइंस, सेकंड क्वेश्चन राइट इन ब्रीफ अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सेकंड क्वेश्चन
एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द फूड चेन. थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज एंड लिस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सेकेंड पॉइंट, गिव द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी. फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट, एंड लिस्ट द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर. सेकेंड पॉइंट, राइट इन ब्रीफ अबाउट फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड प्रॉब्लम्स. फिफ्थ क्वेश्चन, वट आर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सेकेंड पॉइंट, राइट इन ब्रीफ अबाउट इन सेतु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन. सेवन्थ क्वेश्चन, एंड लिस्ट वेरियस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट. एक्सप्लेन इन डिटेल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. एट्थ क्वेश्चन, वट इज नेचुरल डिजास्टर. गिव इन डिटेल इट्स टाइप एंड इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड. नाइन्थ क्वेश्चन, डिफाइन एयर पॉल्यूशन. एक्सप्लेन एयर पॉल्यूशन कॉसेस इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स. टेंथ क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू. फर्स्ट वन, एसिड रेन. सेकेंड, रोल ऑफ एनजीओ इन डिजास्टर मैनेजमेंट. थर्ड, नॉइस पॉल्यूशन. एंड फोर्थ, इकोलॉजिक प्रामेट्स. तो आपको सेक्शन बी में करना है डिफाइन. इलेवेंथ क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. फर्स्ट वन, डिजास्टर मैनेजमेंट. सेकेंड, क्लाइमेट चेंज. थर्ड, सोयल एरोजन. फोर्थ, इकोसिस्टम. फिफ्थ, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. सिक्स, इकोलॉजी. सेवेंथ, फूड वेब. एंड लास्ट वन, एट्थ, ओमनीवोर. तो ये था हमारा एनवायरमेंटल स्टडी का क्वेश्चन पेपर. तो इसमें है 12th क्वेश्चन, डू अस डायरेक्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कंप्रेसेस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. तो इसका आंसर है ट्रू. तो फर्स्ट का होगा आंसर ट्रू. सेकंड क्वेश्चन, द मेजर बेनिफिट्स ऑफ डैम्स आर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. तो इसका आंसर भी ट्रू होगा. थर्ड क्वेश्चन का आपको आंसर खुद करना पड़ेगा. तो फोर्थ क्वेश्चन को भी आपको खुद करना पड़ेगा. तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा, द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर हिमालयन रिवर एंड सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस आर. तो इसका आंसर होगा फिफ्थ का, ग्लेशियर एंड रेनफॉल. तो फिफ्थ का आंसर ग्लेशियर और रेनफॉल होगा. सिक्स्थ क्वेश्चन, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ IAEM. तो मैं आपको बता दूं, IAEM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एनर्जी मैनेजर्स. तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एनर्जी मैनेजर्स. सेकंड, सेवन्थ क्वेश्चन, IPCC स्टैंड्स फॉर. तो IPCC की फुल फॉर्म होती है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. मैं रिपीट कर देता हूँ, IPCC की फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. तो एट्थ क्वेश्चन, NEPA इज द अब्रिविएशन ऑफ नेचुरल विच प्रोटेक्शन एक्ट. तो इस NEPA की फुल फॉर्म होती है नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं. तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सॉफ्टवेयर. डिस्क्राइब द टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विद फोर एग्जांपल ऑफ ईच. सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर एंड लिस्ट द एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर. थर्ड क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ अबाउट बेलूरो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्क्राइब इन शॉर्ट सोर्स एलिमेंट. फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन बाइट. डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मेमोरी विद एग्जांपल्स. फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन शॉर्ट बाइनरी एंड हेक्सा डाइमेंशनल नंबर सिस्टम. सिक्स्थ क्वेश्चन, एनलिस्ट एनी टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट सेल एंड रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग. सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज RDBMS. गिव इट्स इंपॉर्टेंस फीचर. स्टेट एनी टू RDBMS सॉफ्टवेयर. एट्थ क्वेश्चन, एनलिस्ट डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. डिस्क्राइब VDU. तो आपको सबको पता है VDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 9. डिस्क्राइब योर व्यू ऑन स्मार्टफोन एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. 10th क्वेश्चन, एनलिस्ट एनी 6 ऑप्शन टूल्स अवेलेबल अंडर इंसर्ट मेन्यू ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. डिस्क्राइब इंसर्ट टेबल ऑप्शन. सेक्शन बी. 11th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक. तो आपको इन्हें फिल इन द ब्लैंक खुद करने पड़ेंगे. तो 12th क्वेश्चन भी ऐसे ही है कुछ, तो आपको इन्हें भी खुद मैच करना पड़ेगा. आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं. तो हम पढ़ेंगे सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है
प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। तो मैं से आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन, राइट अबाउट कल्टीवेशन ऑफ कोकम्बर इन एस्पेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट। फर्स्ट वन, सोयल एंड क्लाइमेट। सेकेंड, यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर। थर्ड, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एंड फोर्थ, हार्वेस्टिंग इंडिसाइज एंड यील्ड। थर्ड क्वेश्चन, राइट अबाउट कल्टीवेशन ऑफ टमाटो ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। फर्स्ट वन, सोयल एंड क्लाइमेट। सेकेंड, सीड रेट एंड रेजिंग ऑफ सीडलिंग्स। थर्ड, वेराइटीज। एंड फोर्थ, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। फोर्थ क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स। फर्स्ट पॉइंट, रेजिंग ऑफ सीडलिंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। सेकेंड, मैच्योरिटी इन द साइज ऑफ वाटरमेलन। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ अनियन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सोइल एंड क्लाइमेट। सेकेंड पॉइंट, प्लांटिंग सीजन एंड सीड रेट। थर्ड पॉइंट, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एंड फोर्थ पॉइंट, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स। फर्स्ट वन, प्रोसेसिंग ऑफ वाइट पेपर। एंड सेकेंड, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिनेमन। सेवन्थ क्वेश्चन, राइट इन डिटेल कल्टीवेशन ऑफ गिंगर ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, कल्टीवेशन प्रोपागेशन एंड प्लांटिंग। सेकेंड, वेराइटीज। थर्ड, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। एंड फोर्थ, क्यूरिंग। एट्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ पोटैटो ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सोइल एंड क्लाइमेट। सेकेंड पॉइंट, प्लांटिंग सीजन एंड सीड रेट। थर्ड पॉइंट, अर्थिंग अप। एंड फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव्ड वेराइटीज। नाइन्थ क्वेश्चन, राइट इन डिटेल कल्टीवेशन ऑफ नटमेग ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सोइल एंड क्लाइमेट। सेकेंड पॉइंट, प्रोपागेशन एंड प्लांटिंग सीजन। प्लांटिंग मेथड। थर्ड पॉइंट, वेराइटीज। एंड फोर्थ पॉइंट, प्लांट पार्ट यूज्ड। टेंथ क्वेश्चन, राइट अबाउट कल्टीवेशन ऑफ ओकरा ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। फर्स्ट वन, सोइल एंड क्लाइमेट। सेकेंड, सीड रेट एंड स्पेसिंग। थर्ड, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। एंड फोर्थ, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। तो हम पढ़ेंगे अपने सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फर्स्ट होगा, बोटैनिकल नेम ऑफ ड्रम स्टिक इज। तो हमें यहाँ पर बोटैनिकल नेम बताना है ड्रम स्टिक का। तो बोटैनिकल नेम होगा ड्रम स्टिक का, मोरिंगा ओलियोफेरा। तो मैं इसका आपको स्पेलिंग बताता हूँ, MORINGA, मोरिंगा OLEIFERA, मोरिंगा ओफिलारा। इसका बोटैनिकल नेम है ड्रम स्टिक का। तो सेकंड क्वेश्चन है, कार्डमैन इज नोन ऑफ क्वीन ऑफ स्पीशीज। तो सेकंड का आंसर है क्वीन ऑफ स्पीशीज। थर्ड क्वेश्चन है तो इसको आपको खुद करना पड़ेगा। तो मैं आपको सीधा लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज अ वैरायटी ऑफ गार्डन पीआर लिस्ट बाय MPKV राजौरी। तो इसकी वैरायटी है CO7527। एक वैरायटी है गार्डन पिया की, जो कि लिस्ट की गई थी MPKV राहुरी की द्वारा। तो थर्ड क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो हम बढ़ेंगे सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास यहाँ पे है ट्वेल्थ क्वेश्चन। तो ट्वेल्थ क्वेश्चन में आपको करना है मैच द फॉलोइंग पेयर। तो आपको क्या करना है कि मैं आपको सीधा इसके आंसर बताता हूँ, आप इन्हें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकंड का होगा ऑप्शन बी, थर्ड का होगा ऑप्शन ए, एंड फोर्थ का होगा ऑप्शन ई। तो अब मैं फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन का होगा आंसर सी, फर्स्ट को आपको सी के साथ मैच करना है, सेकंड को करना है ऑप्शन बी के साथ, थर्ड को करना है ऑप्शन ए के साथ, एंड फोर्थ को करना है ऑप्शन ई के साथ। तो हमने ट्वेल्थ क्वेश्चन कर लिया। तो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पेपर है फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन प्लांट ब्रीडिंग एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन हेटेरोसिस, एक्सप्लेन जेनेटिक बेसिस, थ्योरीज ऑफ हेटेरोसिस एंड एक्सप्लेन इन डिटेल ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मेल स्टरिलिटी, गिव इट्स टाइप एंड एक्सप्लेन इन डिटेल साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टरिलिटी। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड लिस्ट इट्स एप्लीकेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू। फर्स्ट वन, पेडिग्री ब्रीडिंग मेथड एंड इट्स फीचर।
सेकंड हार्डरी एंड वेम्बरिक लॉ, थर्ड प्लांट इंट्रोडक्शन एंड फोर्थ एंड सिक्स क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनी टू, फर्स्ट ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी एंड नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, सेकंड सिंथेसिस एंड कंपोसाइट्स, थर्ड जेनेटिक एब्सॉर्बेटिव एंड जेनेटिक डिसऑब्सॉर्बेटिव, सेवन्थ क्वेश्चन व्हाट इज वाइड हाइब्रिडाइजेशन, गिव इट्स टाइप एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ बैरियर टू वाइड हाइब्रिडाइजेशन, एट्थ क्वेश्चन व्हाट इज क्लोन, डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोन, सेकेंड पॉइंट व्हाट इज एनियोप्लॉडी, गिव इट्स एप्लीकेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, नाइन्थ क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन गिव क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्फ इनकम्पेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर मॉर्फोलॉजी, सेकेंड क्वेश्चन गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर लाइन, थर्ड क्वेश्चन एनलिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन, फोर्थ पॉइंट एनलिस्ट द ब्रीडिंग मेथड फॉर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स, टेंथ क्वेश्चन डिफाइन बैक क्रॉस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बैक क्रॉसिंग, तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन बी की ओर, तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन, इलेवंथ क्वेश्चन गिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट पटेल सी टी, सेकेंड शल जी एच 1914, थर्ड साइंटिस्ट बुलार्क एन ए एंड फोर्थ साइंटिस्ट रिम्पू, तो हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्वेश्चन की ओर, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, फर्स्ट टर्म एकमलाइजेशन, सेकेंड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, थर्ड वेरिएशन एंड फोर्थ टेस्ट क्रॉसिंग, तो ये थे कुछ क्वेश्चन, तो हम अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को